हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एफएल स्टूडियो के बारे में कुछ बताऊंगा। ये एक बहुत ही प्रभावशाली सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से संगीत बना सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना हो तो भी घर बैठे इससे बहुत ही आसानी से म्यूज़िक तैयार कर सकते हैं। और ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, केवल बेसिक लेवल की चीज़ नहीं है, बहुत हाईली प्रोफेशनल है, जिसके द्वारा आप बहुत ही हाई क्वालिटी की म्यूज़िक को तैयार कर सकते हैं। तो इसको समझना भी बहुत ही आसान है, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ये मेरा डेस्कटॉप है जहाँ से कि मैंने FL Studio 12 को ओपन किया है। जो फर्स्ट विंडो आएगा ये सेटिंग्स के बारे में है, जिसमें मीडी, ऑडियो, जनरल, फाइल्स, प्रोजेक्ट, ये डिफरेंट तरह की सेटिंग्स है। तो मैंने अभी इसे क्लोज़ कर दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे ब्राउज़र्स हैं जहाँ की हम डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और प्लगइन्स वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। और ये जो है प्लेलिस्ट है, उसके बाद इधर पैटर्न्स और बहुत सारे टूल्स हैं। तो मैं इससे पहले कि इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊं, मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि आखिर ये म्यूज़िक कैसे बनाते हैं हम इसमें। तो सपोज़ मैं फाइल में गया, फाइल में मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन किया, फाइल में जाकर न्यू टेम्पलेट, आई कैन ओपन एनीथिंग, एक कुछ भी हम ओपन कर सकते हैं। सपोज़ दैट क्लब बेसिक विथ लिमिटर मैंने चूज किया, तो इसमें हमारे पास जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से मैंने ये चैनल रैक को खोल लिया। मैं विस्तार में बाद में सब कुछ बताऊंगा, मैंने जस्ट आई एम गिविंग यू एन इलस्ट्रेशन, मैं एक संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि कैसे म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो मैंने क्लब बेसिक्स खोल लिया था, तो ये चार इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए हैं हमारे चैनल रैक में। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये किक है, क्लैप है, हैड्स है, स्नेयर है, ये हमारे चार इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मैंने किक को सिलेक्ट करके ये प्ले बटन जो है इसको दबाया, तो आप देख रहे हैं कि जब भी ये जो मूवमेंट है, जब भी ये किक के पास आता है तो ये साउंड करेगा। यानी अगर मैंने इसे दोबारा सिलेक्ट किया तो ये दो बार, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया तो ये इस तरह से मैंने जहाँ जहाँ इसको सेलेक्ट किया है वहाँ वहाँ ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली आपके लिए एक टाइमलाइन है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट बजाना है वो इधर है और आप इसको जिस समय बजाना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने चार किक सेलेक्ट किए हैं, ये हो रहा है। इसके बाद मैं इसमें कुछ हेड्स जोड़ देता हूँ, फिर मैं एक उचित जगह पे जहाँ पर कि ये सुनने में थोड़ा अच्छा लगे उस जगह पे इसमें और एक थोड़ा क्लैप जोड़ देता हूँ। और इसके बाद और एक चीज़ है, इसे भी मैं उपयुक्त जगह पे जोड़ सकता हूँ। तो ये देख रहे हैं ये एक बेसिकली एक बीट बन गया। तो ये बीट बन गया, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, अभी मैंने इसे सेव कर देता हूँ, सेव एज, उदाहरण के लिए मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ 123.flp। तो मैंने ये सेव कर दिया, तो ये हमारा सेव हो गया। तो अभी ये जो मैंने बनाया इसको मैं चाहूँ तो, ये जो म्यूजिक बना लिया मैंने इसको मैं चाहूँ तो एक्सपोर्ट करके MP3 फाइल बना सकता हूँ। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया डेस्कटॉप पे, test123.mp3।
सेव कर लिया। अभी मैं अगर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैंने जब एक्सपोर्ट किया तो ये मेरे डेस्कटॉप पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ गया। मैं इसे बजा सकता हूँ अपने जो हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मोबाइल में, कहीं भी इसे ले सकता हूँ। जैसे आम गाने होते हैं ऐसे ये बजेगा। ओके, क्योंकि मेरा ये एप्लीकेशन अभी खुला है इसलिए ये साउंड ले नहीं पा रहा है। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसे बजाता हूँ, देखिए। तो जो मैं बनाया था वो म्यूज़िक अभी मेरा तैयार हो गया। तो ये बहुत ही आसान है इसके द्वारा म्यूज़िक बनाना। मैं इसे फिर से खोलूँगा, जो मेरा प्रोजेक्ट था टेस्ट 1 2 3। यहाँ फाइल में जाएंगे हम, यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको, या नहीं तो यहाँ पे जाएंगे ओपन करेंगे टेस्ट 1 2 3। मैं सर्च कर सकता हूँ, टेस्ट 1 2 3 आ गया। यहाँ से मैं इसे ओपन कर लूँगा फिर से, ठीक है। अब मैं इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट और भी, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप ये अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये जो विंडो है यहाँ पे अगर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि और मैं ऑलरेडी ये FL Studio के साथ भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिन्हें कि हम VST प्लगइन्स बोलते हैं। और इसके अलावा भी आप ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंट और इसमें जोड़ ऐड कर सकते हैं। ये इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। तो अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऐड करना है तो ये सिंपली मैं ये प्लस बटन यहाँ दबाऊंगा और इतने सारे हैं इसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने एक ऑसिलेटर ले लिया, 3x ऑसिलेटर, और मैंने यहाँ से ये कोई प्रीसेट, कोई भी एक जनरल प्रीसेट सिलेक्ट कर लिया। इसको से मैंने नाम दे दिया म्यूज़िक, ओके, या तो मैं अभी इस इंस्ट्रूमेंट को इस बेसिक बीट्स के साथ में बजाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पियानो रोल में जाता हूँ, जहाँ पर कि ये मुझे जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट में जो कॉर्ड देखते हैं ये सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मैं इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करके एक म्यूज़िक बना सकता हूँ। और ये म्यूज़िक जो है हमारा जो रिदम है जो मैंने पहले बनाया था उसके साथ में ये बजेगा। देखिए कैसे मैं इसको, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ा है। इससे इस तरह से आप कितने इंस्ट्रूमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने पहले बीट्स बनाए थे वो थोड़े अभी छोटे हो गए, मैं इनको और भी थोड़ा एक्सटेंड कर, सेम चीज़ को मैं और भी आगे बढ़ा देता हूँ कॉपी करके ये ऐसे। और मैंने जहाँ जहाँ पे भी ये दिया था मैं इसे सेम जगह पे दे देता हूँ, ताकि ये म्यूज़िक फिर से रिपीट हो जाएगा। और हमारे मैंने जो धुन बनाई है उस धुन के साथ साथ ये आगे भी डुप्लीकेट होता रहेगा। ठीक
ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट अभी ऐड किया। मान लीजिए मैं एक और भी इंस्ट्रूमेंट अभी ऐड करता हूँ, से साइट्रस। तो साइट्रस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि अगर आप इसको ओपन करें, प्रीसेट्स में जाएं, इस एक के अंदर आपको इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो जैसा कि इंडिया में हम लोग फ्लूट बहुत पसंद करते हैं, ये मैंने फ्लूट सिलेक्ट किया। तो ये फ्लूट है, ये मैं अगर पियानो रोल में जाऊं तो ये ऐसे ऐसे बजेगा, लेकिन मैं अभी इसमें फ़िलहाल जो मैंने पहले धुन बनाई थी मैं उसी को इस यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो धुन है इसके साथ साथ ही बज जाएगा। तो मैं अभी इसे सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। मैं इसे एक्सपोर्ट करके फिर से अगर चाहूँ तो MP3 बना ले सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से बेसिकली काम करता है ये सॉफ्टवेयर। इसके बाद अभी आपने देखा कि बेसिकली मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, इसको चैनल रैक बोलते हैं, और ये चैनल रैक के अंदर मैंने ये म्यूज़िक बनाया, ठीक है। तो ऐसा मैं बहुत सारा चैनल रैक के अंदर मैंने ये एक पैटर्न बनाया, पैटर्न 1। अभी मैं 2 भी बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ, 4 बना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मैं बना सकता हूँ। और मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, ये जो सारा पैटर्न मैंने बनाया इसको अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्लोन कर सकता हूँ, पैटर्न 2 में आ गया। इसमें मैं माइनर चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि ये जो बज रहा है मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया म्यूजिक को, तो अभी देखिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है बेसिकली ये, इसको ये मेरा पैटर्न नंबर 2 हो गया, इससे पहले ये पैटर्न 1 बनाया था। तो मैं ये जो सारे पैटर्न्स है ये कितने भी मैं बना सकता हूँ, और ये जो विंडो है ये मेरा पैटर्न था, और ये जो उसके पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो विंडो है ये है प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में मैं पैटर्न को यहाँ पे सजा सकता हूँ एक के बाद एक, जिससे कि मेरा जो सॉन्ग है पूरा गाना जो है यहाँ पे मैं कंप्लीट कर ले सकता हूँ। और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे सजा सकता हूँ, पैटर्न 1 और ये पैटर्न 2 हो गया, फिर उसके बाद मैं फिर से पैटर्न 1 को यहाँ पर ला सकता हूँ, फिर से पैटर्न 2 को यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा सॉन्ग मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के द्वारा। और ये जो बटन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पैटर्न को प्ले करने के लिए ये हाईलाइट रहेगा, लेकिन जब मैं सॉन्ग को प्ले करूँगा तो इसको क्लिक करना पड़ेगा, ये ऐसे अभी मेरा सॉन्ग प्ले होगा जो मैंने यहाँ पे किया है। इस तरह से एक जनरल आइडिया आपको हो गया कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। हम यहाँ पे हेल्प में जाएंगे, हेल्प इंडेक्स को खोलेंगे, यहाँ से भी आप अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में तो यहाँ से आपको मिल जा सकती है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इंट्रोडक्शन टू ए फुल स्टूडियो एंड देन यूज़र इंटरफेस एंड कंट्रोल। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे मैं सॉन्ग बना रहा था ये सब उसी के बारे में है। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये ब्राउज़र है जहाँ पर कि बहुत सारे
फाइल्स आपके रहेंगे जहाँ पर कि सारा इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट है। यहाँ से आप ड्रैग करके यहाँ चैनल रैक पे डाल सकते हैं एक एक करके। ये जो चैनल रैक है, जो जहाँ पे अभी मैंने एक सॉन्ग कंपोज किया था, आपने देखा है, और इसको चैनल रैक बोलते हैं। उसके बाद जहाँ पर मैंने चैनल रैक को बना के पैटर्न 1 2 सबको एक एक करके डाला, उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा गाना कंपोज करते हैं चैनल रैक को एडजस्ट करके, सीक्वेंशियली आप डालते हैं। उसके बाद पियानो रोल मैंने दिखाया आपको कि पियानो रोल में कैसे जाकर मैंने वो धुन बनाई। तो ये धुन बनाने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाके उसको पियानो रोल में जब हम जाते हैं तो हमें सारे स्केल्स मिलते हैं जिसके आधार पर कि हम उसकी धुन को तैयार करते हैं। तो ये पियानो रोल हो गया। उसके बाद मैंने जो चीज़ नहीं बताई आपको वो था मिक्सर। तो मिक्सर क्या है, जैसे मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, यहाँ फिर से आपको दिखाऊंगा मैं, ये तो ये है प्लेलिस्ट, ये है आपको चैनल रैक, देन यहाँ पे आपको मिक्सर है। तो मिक्सर में क्या है कि यहाँ पे मैंने जितने सारे इंस्ट्रूमेंट लिए थे, ये किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, म्यूज़िक, फ्लूट, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके वॉल्यूम्स, जब आप फाइनल सॉन्ग बनाते हैं तो वॉल्यूम किसको कम करें किसको ज़्यादा रखें, ये सारी चीज़ें हम ये यहाँ से करते हैं, जिसको कि हम मिक्सर बोलते हैं। यहाँ से मिक्सिंग करते हैं किसके वॉल्यूम को कम करें किसको ज़्यादा करें। तो इसके लिए हम पहले जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं सबको यहाँ पे डालते हैं एक एक चैनल पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद मैं इसमें गया मिक्सर में, मैंने मास्टर को छोड़ दिया, मास्टर तो खैर सबका मिला के होता है। मैं एक नंबर पे गया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके चैनल रूटिंग, रूट सेलेक्टेड चैनल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किक है, क्लैप है, हैट्स हैं, स्नेयर है, म्यूजिक है, फ्लूट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। अभी ये अगर मैं बजाऊं फिर से, यहाँ पे मैं पहले अपना जो पैटर्न था मैं उसको प्ले करता हूँ, पैटर्न से पैटर्न 1 को प्ले करता हूँ। तो उसके बाद अभी आप देख रहे हैं इसमें मैं वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने म्यूजिक को कम कर दिया। तो अभी फ्लूट बज रहा है, अभी फ्लूट को भी कम कर दूं तो जो बीट्स हैं आपको वो सुनाई देंगे। तो इस तरह से मिक्सिंग की जाती है, कुछ कोई साउंड अगर ज़्यादा है तो उसको कम करते हैं और एक लेवल पे ऐसा रखते हैं कि मतलब वो सुनने में अच्छा लगे और जो सारी की सारी म्यूजिक सुनाई दे, कोई ज़्यादा लाउड म्यूजिक किसी को ढक ना ले, तो ऐसा करते हैं हम लोग। तो इसको बेसिकली मिक्सिंग बोलते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया। अभी क्या है कि ये मिक्सर में हम बहुत सारे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा जो क्लैप है, ये जो क्लैप है मैंने जो दिया था, केवल क्लैप को अभी सुनते हैं। ये देखिए ये क्लैप है, तो यहाँ पे इस क्लैप को मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ये हाईलाइट है, एक एक को हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो उससे अभी क्लैप हाईलाइट है, तो यहाँ पे जाके हम इस पर कुछ इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मैंने सेलेक्ट किया फ्रूटी डिले 2। ओके, तो ये देख रहे हैं मैंने ये इफ़ेक्ट डाल दिया, अब ये रिपीट होने लगा। तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, इसकी जो रिपीटेशन है, यहाँ से टाइम को कंट्रोल करके
और बढ़ा भी सकता हूँ। तो सपोज़ अभी तो मैंने अगर पूरा म्यूजिक सुनूंगा तो ये इस तरह से लगेगा मुझे। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो है इसको लेफ़्ट ईयर में डालना है या राइट ईयर में डालना है ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। और बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल है, इतने सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। इक्वलाइज़र जो है वो मोस्टली हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। इक्वलाइज़र से हम जो भी मिक्सिंग है उसमें वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और ये काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस रीजन में साउंड ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे प्रीसेट्स हैं उसके आधार पे मैं ऐसे प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा कि ये जो बाकी सारा स्पेस है ये मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, जिससे कि ये साउंड है ये साउंड इतना ही रेंज में रहेगा, ताकि हम जो एडिशनल साउंड है जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे वो इधर में प्ले हो, जैसे बैस है या और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो, तो ये साउंड उसकी जगह ना ले ले। तो इस तरह से हम लोग मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सर हो गया, मैंने मिक्सर भी आपको बता दिया। इसके बाद ये टूल बार्स हैं, तो टूल बार्स में आप देख सकते हैं इस टूल बार्स, यहाँ पे बहुत सारे टूल बार्स हैं। अगर आप कुछ भी देखना चाहें तो वहाँ पे आप कर्सर को ले जाएंगे तो इस जगह पे एक रिटर्न में वो आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे ये सॉन्ग या पैटर्न मोड का स्विच है, यहाँ पर अगर दबाएंगे तो ये जो अगर हाईलाइट नहीं है तो सॉन्ग प्ले होगा, अगर हाईलाइट है तो पैटर्न प्ले होगा। ये जो बटन है यहाँ पे आपको प्ले करने के लिए है, और इससे पॉज कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड बटन है, जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे। रिकॉर्ड तब हम करते हैं जब हमारे पास कोई मिडी कंट्रोलर हो, तो मिडी कंट्रोलर के द्वारा हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो म्यूज़िक बनाया पियानो रोल में, उसी को हम बजा के भी मिडी कंट्रोलर के द्वारा, माने जो जैसे हमारे पियानो होते हैं उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं डायरेक्टली हम बजाएंगे और ये सारे अपने आप चले आएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाता है उससे हमारा काम। तो ये रिकॉर्ड है। उसके बाद ये है ये बीट्स पर मिनट, किसी भी सॉन्ग का जो स्पीड है इससे डिटरमाइन होता है, इससे पता चलता है। जैसे कि ये हमारा गाना है, ये एक सर्टेन स्पीड पे बज रहा है, तो इसको अगर मैं इसका स्पीड को मैं कम करूं तो ये इस तरह से आपको बजेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लो हो गया है पहले की तुलना में। तो ये यहाँ से होता है, उसके बाद ये मेट्रोनोम है, रिकॉर्डिंग के लिए काम में आता है। ये टिक टिक जब ये रहेगा तो ये एक साउंड आएगा हर बीट्स पे। ओके, उसके बाद ये वेट फॉर इनपुट फॉर, ये भी ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए हैं ये। और बेसिकली यहाँ पे पैटर्न मैंने दिखाया आपको कि पैटर्न को कैसे आप 1 2 3 4 इतने सारे जितने भी आप चाहें बना सकते हैं। तो इसके लिए जो माउस है अगर उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इस पैटर्न को सॉन्ग में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये चले आएंगे। अगर मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ जाएगा।
ओके, तो ये जो है, ये सारे जो बटन्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट है, ये क्लिक करने से ये जो विंडो है ये आता है, प्लेलिस्ट है। ये जो है आपको पैटर्न है, जिसे हम चैनल रैक बोलते हैं, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद ये जो है व्यू पियानो रोल, पियानो रोल हम यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं सिंगल क्लिक में। ओके, और नहीं तो यहाँ से भी जा सकते हैं, एक ही बात है। पियानो रोल में हम, जैसे मैंने कंपोज किया था, ऐसे ये सारे स्केल्स हैं हमारे, नोट्स हैं, और हम इनके द्वारा म्यूज़िक को कंपोज कर सकते हैं। उसके बाद ये फोल्डर व्यू है, अगर मैं चाहूँ, ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ये स्पेस ले लेता है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको क्लोज कर सकता हूँ, ताकि हमारे लिए ज़्यादा स्पेस बचा रहे, जिससे कि हम बेहतर काम कर सके। जब हमें ज़रूरत होगी तो मैं फिर से इसको क्लिक करके ये जो इसको ले सकता हूँ वापस। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैंने मिक्सर आपको दिखा दिया, तो इनके शॉर्टकट्स हैं, जब आप काम करेंगे इस पे तो इन इन सभी चीज़ों के शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट से ये काफ़ी आसान हो जाता है काम करना। ओके, यहाँ पे प्लगइन पिकर है, जिससे कि अगर हम चाहें तो बहुत सारे जितने भी प्लगइन्स हैं इन सबको साउंड के आधार पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये टेम्पो टैपर है, अगर मान लीजिए आप कोई गाना डालते हैं इसमें और उसकी आपको बीपीएम चाहिए, जो बीट्स पर मिनट 120 है, तो ऑलरेडी जो सॉन्ग बना हुआ है, जैसे जो लोग रिमिक्स वगैरह बनाते हैं किसी सॉन्ग का, तो इसमें अगर आप कोई ऑलरेडी रेडीमेड सॉन्ग डालते हैं तो उसकी बीट्स पर मिनट कितनी है, उसको ये टेम्पो टैपर से हम पता करते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारियाँ फ्रूटी लूप्स के बारे में। और हमने देखा यहाँ पर ये ब्राउज़र्स है, मैंने चैनल रैक्स के बारे में भी आपको बताया, प्लेलिस्ट में जो है चैनल रैक्स को डालते हैं तो सॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद जो पियानो रोल्स है, उसमें हम कंपोज कर सकते हैं नोट्स को, और स्केल्स के द्वारा म्यूज़िक बना सकते हैं। तो और फाइनली मिक्सिंग करके उसके साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फाइल से जाकर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव से हम प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसको सेव कर सकते हैं, ओपन से जो हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको हम फिर से खोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब हम ये इस पे काम करें तो हम बार बार उसको सेव करते रहें। तो हम कंट्रोल एस दबा सकते हैं सेव करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को, या फिर यहाँ से ही जाके ऐसे सेव कर सकते हैं, जिससे कि हम अगर किसी स्थिति में भी हमारा जो जितना हमने काम किया है वो लॉस नहीं हो। ये इम्पोर्ट है, इसमें मिडी फाइल्स को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, और एडिट तो खैर हमें बहुत जगह पे मिल जाते हैं। पैटर्न्स में हम जितने पैटर्न बनाएंगे ये यहाँ पे आएंगे। अगर हमें नए चाहिए तो हम इंसर्ट वन में जा सकते हैं, नए बना सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम सिंपली इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये नए पैटर्न आ जाएंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे पैटर्न पे तो हम ये खोल सकते हैं, यहाँ पे नए बना सकते हैं। ये जो चैनल रैक है, यहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ कि ये दो बटन्स हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये तीन हैं बेसिकली। ये जो है ये पावर है, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये सब नहीं बज पाएंगे, कोई भी नहीं बज पाएगा। जैसे कि मैंने जो पैटर्न्स पहले बनाए थे आप देख सकते हैं, अभी कुछ भी, मेट्रोनेम को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं बजेगा। और मैं किक को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि किक जो है केवल किक आ रहा है। फिर मैंने इस पे क्लैप को सिलेक्ट किया, क्लैप आ रहा है। फिर हेड को डाला, फिर स्नेयर को, फिर मैंने म्यूज़िक डाला, फिर फ्लूट डाला। ओके, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया बना के। और
अगर आप चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग करना तो इसमें ऑलरेडी कोई लिमिट नहीं है कि आप किसी भी हद तक इसको बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी आप इसको कर सकते हैं, और आप सिंपली काम करना चाहें तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाइल में जाएंगे, मैं न्यू एक नया प्रोजेक्ट खोल लिया मैंने, तो यहाँ से जाके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, जिससे कि हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि पैक्स में मैं जाऊंगा, पैक्स में हमारे पास लूप्स होते हैं, तो ये जो लूप्स हैं ये बीट्स हैं, ऑलरेडी रेडीमेड बीट्स हैं। तो आपको सपोज़ मैंने एक सेलेक्ट किया, तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया तो ये आ गया। अभी मैं इसको एक बार सेलेक्ट करूँगा और प्ले करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा। मैंने बीट्स वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट था इसलिए इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया। अभी मैं इसके साथ में कोई दूसरा भी इंस्ट्रूमेंट डालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रो बॉक्स, ओके मैं ये डाल सकता हूँ शायद। और मैं एक साथ में दोनों को नहीं बल्कि एक अंतराल के बाद प्ले करके मिक्स करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसको। अब मैं प्ले करके देखता हूँ, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने इसको अलग जगह पे सेलेक्ट किया। ये कुछ अच्छा लग रहा है पहले की तुलना में, बट ये बहुत फास्ट है इसलिए मैं इसको थोड़ा बिट्स को कम कर देता हूँ। ओके मैं फिर से प्ले करके देखूँगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउंड जो है, मैं इसको सपोज़ मैंने दे दिया इसको नाम टेस्ट 1 2 3 4 5, ओके सेव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि साउंड जो है ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ये इसलिए है कि बार बार रिपीट हो रहा है और पिछला वाला साउंड इसमें जुड़ते जा रहा है। तो इसके लिए इसमें एक ऑप्शन है कट इट सेल्फ, मैं इसको दोनों को कट इट सेल्फ कर देता हूँ ताकि ये जब दोबारा प्ले हो तो पुराना वाला साउंड जो है वो इससे ख़त्म हो जाए। ये मैंने बीट्स बना लिए, उसके बाद मैं इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं आपके पास पियानो है, मैंने इसको जोड़ लिया। इस पर राइट क्लिक करके हम पियानो रोल में जाएंगे ताकि हम कंपोज कर सकें नोट्स को। ये मैं घटा बढ़ा सकता हूँ इसकी लेंथ को, और जितना भी मैं लंबा रखूँगा उतनी देर तक ये बजेगा। इस पियानो रोल्स में यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम को कम कर सकते हैं किसी नोट्स को। मैंने अगर इसके वॉल्यूम को कम कर दिया और इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो ये यहाँ पे इसके आधार पे बढ़ जाएगा।
इस तरह से हमारी क्रिएटिविटी के आधार पे हम एक बहुत ही अच्छी म्यूज़िक बना सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस सभी को मैं कॉपी कर लूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ये सबको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अगर इसको फिर से रिपीट करना चाहूँ तो मैं एक बार शिफ्ट दबाऊँगा, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक, फिर मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। मैं इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँगा तो ये फिर से प्ले हो जाएगा, और फिर मैं इसको इसके किसी नोट्स को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं ये बता दूं कि जब ये आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट होता है, जब इसी के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ ड्रैग करके इसके लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जब आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्नैप टू नॉन किया हुआ है। जब हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर देते हैं, 1/2 बीट, स्नैप टू 1/2 बीट, मीन्स ये जो है अभी हम इसको हर जगह पे मूव नहीं कर सकते, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, इसके बीच में नहीं जा सकता है। तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। अगर आप कहीं पे भी यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आपकी गलती होने की संभावना को कम कर देता है। और जब आपको फाइन एडिटिंग करना होता है तो हम यहाँ पे नन सेलेक्ट कर देते हैं, ताकि हम इसको आराम से देख सकें कि ये कितना है, और इसको एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, एक्यूरेटली जो म्यूज़िक जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इतनी हाई लेवल की एक्यूरेसी इसमें पॉसिबल है। ये बहुत ही हाईली प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजिटल है और इसमें एक नया अपने आप में कंसेप्ट है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे संगीत बना सकते हैं, आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर इसमें इसको मास्टर कर लिया तो आप किसी भी लेवल का म्यूज़िक बना सकते हैं। इसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, और अगर आप चाहें तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जब इसमें अगर हम जाएं इंस्टॉल्ड में जाके जनरेटर्स VST, ओके, तो मैंने ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए स्वर प्लग मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये फ्री नहीं है, किंतु आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं परचेज़ करके। तो इसमें आपको बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि बैंजो, बांसुरी, बीन, डफली, ढोलक, तबला, ये सारे। और ये हाईली डिटेल में है, मतलब ये सारे, ये जैसे दादरा, तेवरा, चंपक, ये सारे ताल हैं, आपको मिल जाएंगे, आप इसको बजा के देख सकते हैं और इसको फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ इस धुन को, तो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले जाऊँगा। ओके, तो पहले जो हमारा म्यूजिक था उसके साथ ये भी ऐड हो गया।
आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक फ्यूज़न म्यूज़िक क्रिएट हुआ। इसको फिर से हम कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हम जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं, बाकी को छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास इसमें म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू। मैंने कुछ सैंपल बनाए हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको शायद ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं यहाँ पर और भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप इसको अगर आप और भी गहराई में समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हाई क्वालिटी की म्यूज़िक इससे बनाई जा सकती है। तो ये सब कुछ संभव है और मैं बहुत ही आसान शब्दों में, सिंपल वे में आपको और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।